नमस्कार। आम एएसओ नोटिफिकेशन 2021 डिसेंबर आसी सरला, एग्जाम है अगस्त 2022 रे, आउ रिजल्ट आसला नवंबर 7 रे। बहुत मास बीती जाइए, ता मधे कि आमर जो ऑब्जेक्शन थिला कि सिलेक्शन आर्बिटरली हो, जो सेक्शनल कटअप जो लगी 40% बोली कहते, आमको ठीक लगलानी। से ऑनरेबल हाईकोर्ट रे दरस्त होती, हाईकोर्ट ऑर्डर आसी सारी, जोटा कि से कहते कि ओपीएससी जो लगे से बहुत आर्बिटरली लगे 40% लगे कथ नुह, कि सेक्शनल कटअप रूल न थाए कि से नोटिफिकेशन भी न थाए कि डायरेक्ट रिजल्ट पर काढ़ीपारे ना, से हाईकोर्ट आम ऑर्डर देते। तेणु एबे आमर सब डाउट क्लियर हो जाए, आम एवं जा सारे कि आर्बिटरीनेस जो ओपीएससी करा हबार ना। एबे आम समस्त को यह अनुरोध करो पाला कि ऑब्जेक्शन अच्छी कि एबे आसिक प्रोटेस्ट कर कम्प्लेन दूसरे से अधिकार अच्छी, कि आम कहवाक चाहूँ कि आज सपोज 40% लगी जाती सेक्शनल जीएस रे, का से 40 जगह 50% कि 60% जीएस रे लगेदे, से तुम कौन कर प्रोटेस्टिंग कर आसिक, तो हाईकोर्ट को ऑर्डर को दयाक सम्मान दिंतु। हाईकोर्ट जोटा कर ठीक कर एबे ओपीएस को भी अनुरोध, जो प्रोसेसटा बहुत डिले रे चली, ऑलरेडी 1.5 वर्ष हो गला, आहुरी बहुत पिला अच्छा जो मानकर एज अधिक चली, कई दिन को दिन छोट पिला ही जाऊना, तो भी टी न्याय करा जाऊ। तेणुक ओपीएस को अनुरोध टी रिजल्ट जल्दी काढ़ा जाऊ, आउ जो पिला मानकर टी डाउट अच्छी जीएस रे 40% से जिदि धरिक लगी कि जिदि कर ओपीएससी जो कर ठीक करा ही हवा उचित। एबे देखु आप कथ मानक ओपीएससी टाक लगेदे 40% प्रूफ करदे, आर वर्ष को कौन हम आर वर्ष पिला 40% क्राइटेरिया नहीं चलिए, से जीएस जगह मैथ्रे से 60% रखीदे, तापर वर्ष जब इंग्लीश 70% रखीदे, आप बुझानु गोटे खराब प्रेसीडेंट सेट करने आगु गोटे मिस्टेक होमें मिस्टेकटा के सुधारिया ट्राए करवा, मिस्टेकटा जमी ब्लंडर न हुए, तो से समस्त अनुरोध दयाक हाईकोर्टर अर्डर को सम्मान दिंतु, आउ ओपीएस को अनुरोध टे दया करी प्रोसेस को स्पीड करूँ, आ गए क्लारीटी आणतु, एवं बहुत पिला आप अपेक्षार अच्छा। गोटे कथ कहूँ चाहूँगी, आम ये केवल ओपीएससी एसओ दौन, ये जो पिला दौरान ये सेक्शनल कटअप एगेन्स्ट ना, समस्त रेलवे दौर बैंकिंग दौरती यूपीएससी भी दौरान, सेक्शनल कटअप एगेन्स्ट के ना, कि आमर गोटे कथा सेक्शनल कटअप लगे आगर आप रूल बुक मेनसन करूँ, आते परसेंट लगे 30% हो 40% हो सेटा पर्टिकुलरली मेंशन करंतु, आ प्रायर टू एग्जाम आमको नोटिफिकेशन रे जणांतु, एमिति नै कि रिजल्ट बाहरला पारे आपण कहबे कि नै बाहर गला बोली, पिला माने बहुत माने हैरान होसन एते टाइम, तो अनुरोध जदि सेक्शनल कटअप रखिबा को चाहौसंती ताहाले रूल बुक रे आणंतु, केते परसेंट रखिबे सेटा जणांतु, नोटिफिकेशन रे मेंशन करंतु, धन्यवाद। भी गोटे एसओ आसपिरेंट, मुँह भी बहुत दिन है पाठ पढ़ी एसओ रे चाकरी करने, आउ से जो कहते कि ऑलराउंडर पिला से कमी ऑलराउंडर होगले ना, सब सब्जेक्ट में 40-40-40 लेखा रखिक 160 रखीदे, आठ आम सब सब्जेक्ट में 80-80-80 रखिक, आ गोटे सब्जेक्ट में 39.75 रखिक भी आम मेरीटियस पिला हो पार्लुनु, 279 आने भी मेरीटियस पिला हो पार्लुनु, आउ तक हिसाब से जे 160 रखीगला से मोर मान भैलेबल होगा 1279 ठीक, तो से जो कहते आ हाँ से कहते आम मार्क केमी जानलु, ठीक अच्छे आग्रिगेट में मार्क आसे आम जानदेव, और से तो क्लेम कर 260-270-280 रखी, तो किसी असुविधा नहीं आसू मार्क से आसने जमा पड़ जा, जी आग्रिगेट में अधिक थी से ही चाकरी पाइब, आम कहते फैमिली बैकग्राउंड तक असुविधा था, फैमिली बैकग्राउंड समझे समस्त किसी ना किसी असुविधा अच्छी, समस्त ने कौन कौन गोटे असुविधा देखिए आसुँच, तेणुक मुझे चाहूँगी जो मान्यवर हाईकोर्ट जो डिसीजन नहीं त्वरावित ओपीएससी उदाहरण हो आई शीघ्र नुआ आग्रिगेट गोटे नुआ मेरीट लिस्ट आसू, कि 270-287 मार्क रखी से मेरीटियस, तेल डरुँच कहीं से 270-287 मार्क रखी भी कहते सेक्शनल कटअप लगू, आमर पर 250-260 मार्क रखी कहूँ आग्रिगेट आसू, तेल डरियार किसी आसू ना, आसू आग्रिगेट मार्क जमा पड़ जा किए के मार्क रखी, आउ आग्रिगेट बेसी से सिलेक्स नहीं, प्रति पिलार जमा पड़े मेरीटियस किए के ना आग्रिगेट ही जमा पड़ो। देखु मुझे जो एसओ आसपेरेंट, वर्तमान जो झमेलाटा हो पाने जो मैंने प्रिवियसली सिलेक्टेड होता प्रोविजनाली सिलेक्टेड होता डीबी पिला माने, से मान जो आसिकी कहछन जे तांकर माने ए मेरिट लिस्ट स्क्वाश होबार नथिला, न्यू मेरिट लिस्ट न आसु कारण एटा भूल है जोटा कि कथार यथार्थता जमा भी ना, से 6-7 मास पाठ पढ़ी आम कौन पढ़ू, से मानकर घर प्रॉब्लम अच्छी आमर मध्यम प्रॉब्लम अच्छी, मुझे ही कहूँ मुझे मैरिड लेडी मत के परिश्रम करा पड़ी घर पर समय दवा ता भर पाठ पढ़ा,
କେତେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ନେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟର ଡିସିଜନ୍ ପରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯେ ଯେ ନାଇଁ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲଗେଇଲା ପରେ ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ରହିବ? ନିହାତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ମୋର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗିଣା ବାପା, ମୋତେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆମର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ସେମାନେ କାନ୍ଦିକି ଏମିତି ଇମୋସନାଲ୍ କରିକି କୌଣସି ପବ୍ଲିକର କେବଳ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ରହୁ, ତାମାନେ କ'ଣ ବାପାର ତୁ ଏଇ ଢିଙ୍କିଟା ଗିଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏ ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ, ଓପିଏସ୍ସି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।